हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विनोद खन्ना का एक अलग ही रुतबा देखने को मिला, लेकिन करियर के पीक पर आकर विनोद खन्ना ने एक समय एक ऐसा फैसला लिया था जिस फैसले के बाद से ही हर कोई हैरान रह गया था। विनोद खन्ना जब अपने करियर के पीक पर थे और उन्हें कई सारी बड़ी फिल्मों का ऑफर मिल रहे थे, तब उन्होंने ओशो के शरण में जाने का बड़ा फैसला लिया था और उनके इसी फैसले से अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार को सदी का महानायक का तमगा मिला था। बताया तो ये भी जाता है कि अगर ओशो के शरण में विनोद खन्ना नहीं जाते तो शायद अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाते। विनोद खन्ना की अगर बात करें तो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ काफी सुर्खियों भरी रही है। एक्टिंग की चाह रखने वाले विनोद खन्ना के माता पिता कभी भी उनके इस प्रोफेशन से खुश नहीं थे, लेकिन माँ बाप को मनाने के बाद विनोद खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में आए। सुनील दत्त साहब की फिल्म मन का मीत 1968 में आई थी। ये उनकी डेब्यू फिल्म साबित रही और अपनी इसी फिल्म की वजह से आने वाले समय में वो काफी ज्यादा फेमस हुए। इस फिल्म में उन्होंने विलन का रोल निभाया था और इसी के साथ इनके अभिनय की चारों तरफ सराहना होने लगी थी। साथ ही इन्हें कई सारी बड़ी फिल्मों के ऑफर भी मिल गए। इतने नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद इन्हें 15 फिल्में मिल चुकी थी। लेकिन करियर के पीक पर आकर पता नहीं विनोद खन्ना को क्या हो गया कि उन्होंने ओशो के शरण में जाने का फैसला लिया। ओशो के शरण में जाकर इन्होंने काफी कुछ सीखा, लेकिन यहाँ पर भी इनका ज्यादा दिनों तक गुजारा नहीं होगा और फिर इन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने की कोशिश की। चीजें बहुत ज्यादा बिखर चुकी थीं। उस दौरान के कई सारे कलाकार सुपरस्टार का तमगा हासिल कर चुके थे, लेकिन ये राह उनके लिए आसान नहीं रही। हालांकि बावजूद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने का जब मन बनाया तो फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे कलाकारों ने इनकी जमकर मदद भी की और फिर से उन्हें यही कामयाबी मिल गई। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद एक बार फिर से उन्होंने इसको छोड़ने का मन बनाया और इस बार ये राजनीति में आई। विनोद खन्ना का करियर काफी उठा पटक भरा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए विनोद खन्ना ने जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो शायद ही किसी कलाकार के तमगे में आएगा। अपनी जिंदगी में कई सारे बड़े फैसले लेने वाले विनोद खन्ना का आखिर में काफी बुरा समय आ गया था। आइए चली जानते हैं कि विनोद खन्ना का कैसा फिल्मी सफर रहा है और कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी गलतियां की। विनोद खन्ना का जन्म पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को होता है। इनके पिताजी का नाम किशन चंद खन्ना था और माता का नाम कमला था। इनके पिता का बिजनेस टेक्सटाइल था। भारत की आजादी के बाद भारत पाकिस्तान के हुए बंटवारे के बाद पेशावर से इनका पूरा का पूरा परिवार मुंबई आ गया। अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हुए विनोद खन्ना को एक्टिंग के कीड़े ने काटा और पढ़ाई के साथ साथ इन्हें एक्टिंग का शौक भी हुआ और यही बड़ी वजह थी कि टीचर ने जबरदस्ती स्टेज पर इन्हें कार्यक्रम के दौरान इनसे अभिनय कराया और इसी अभिनय के बाद विनोद खन्ना को एक्टिंग का बहुत बड़ा चस्का लग गया और अभिनय के प्रति इनकी रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। लेकिन उनके इसी शौक से उनके परिवार वाले काफी हैरान रहते थे। उनके पिता उनके इस प्रोफेशन से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा विनोद खन्ना फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखे, लेकिन उनकी माँ ने उनका साथ दिया और यही बड़ी वजह थी कि ये जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1968 में आई सुनील दत्त साहब की फिल्म मन का मीत से इन्होंने पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि उनकी पहली फिल्म बतौर विलन में उन्होंने काम किया, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। बहुत ही कम समय में विनोद खन्ना ने काफी नाम और शोहरत कमा लिया और उनके इसी नाम और शोहरत की चर्चाएं पूरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में होती थी। यहां तक कि उस दौरान के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों को भी ये कड़ी टक्कर देते थे। बॉलीवुड जानकारों का मानना है कि विनोद खन्ना अगर ओशो के शरण में नहीं जाते तो अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाते, या यूं कहें जो नाम और शोहरत प्राप्त है ये शायद विनोद खन्ना के झोले में आते। लेकिन ओशो के शरण में जाने के बाद विनोद खन्ना का सब कुछ छिनसा गया था। ओशो के शरण में जाने के बाद विनोद खन्ना की पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। विनोद खन्ना वही है जो अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए काफी ज्यादा फेमस थे, लेकिन विनोद खन्ना जब ओशो के शरण में गए तो आश्रम में जाकर उन्होंने झूठे बर्तन से लेकर टॉयलेट तक साफ किए। विनोद खन्ना जब अपने करियर के पीक पर थे तो ओशो से प्रभावित होकर उन्होंने सन्यासी बनने का बड़ा फैसला लिया था। वो उनके पुणे वाले आश्रम में कई सालों तक रहे। वो ओशो के साथ अमेरिका भी गए और उनकी सेवा में लगे रहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमेशा लग्जरी लाइफ जीने वाले विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में पहले माली बनकर काम किए, फिर उनके वॉशरूम और आश्रम में रहने वाले झूठे बर्तनों तक को साफ किया। बॉलीवुड जानकारों का कहना है कि ओशो के आश्रम में जाने का रास्ता विनोद खन्ना को महेश भट्ट ने ही दिखाया था और महेश भट्ट से काफी ज्यादा इंप्रेस होकर उन्होंने ओशो के आश्रम में जाने का बड़ा फैसला लिया था। यहाँ पर आकर उन्होंने कई साल गुजारे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओशो से विनोद खन्ना बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। जब ओशो भारत छोड़कर अमेरिका चले गए तो साल 1975 में विनोद खन्ना अपना सब कुछ छोड़ दिए थे। उन्होंने अपना करियर और परिवार को छोड़कर अमेरिका चले जाने का बड़ा फैसला लिया था और यहाँ पर ये लगभग 4 सालों तक रहे। लेकिन ओशो के आश्रम में जाने के बाद इनकी घर गृहस्थी भी काफी बिगड़ चुकी थी। इनकी पहली पत्नी ने इन्हें तलाक दे दिया था। अमेरिका जाने के बाद विनोद खन्ना फिर से मुंबई वापस आए।
रिपोर्ट्स की माने तो ओशो से प्रभावित होकर विनोद खन्ना विनोद भारतीय तक बन चुके थे, लेकिन जिस मन की शांति के लिए वो अध्यात्म की दुनिया में शरण लिए थे वो उन्हें हासिल ना हो सका, इसलिए वो वहां से वापस आ गए। हालांकि यहां आकर सब कुछ बिखर चुका था, उनकी वाइफ गीतांजलि ने उन्हें तलाक दे दिया था, उनके दोनों बच्चे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना भी उनके साथ नहीं रह रहे थे। ऐसे में विनोद खन्ना ने खुद को संभाला और बाद में उन्होंने साल 1985 में बड़ा कमबैक किया। जब वह अमेरिका से भारत लौटे तब एक मैगजीन पेज पर उनकी फोटो छपी थी, उस फोटो में विनोद खन्ना सफेद दाढ़ी में पहचान में नहीं आ रहे थे और ऐसे में लग रहा था कि शायद अब विनोद खन्ना का करियर तबाह हो जाएगा। लेकिन साल 1985 में इन्होंने कई सारी ऐसी बड़ी फिल्में की जिन फिल्मों को देखने के बाद विनोद खन्ना के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दीवाने हो गए। ओशो के शरण छोड़ने के बाद विनोद खन्ना और ओशो के बीच में कई सारी अटकलें भी सामने आई थी। बताया तो ये भी जा रहा था कि विनोद खन्ना के पैसे खत्म हो चुके थे, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि ओशो से विनोद खन्ना का मतभेद हो गया, तभी उन्होंने ओशो का आश्रम छोड़ने का बड़ा फैसला लिया। दोबारा घर गृहस्थी बनाने के लिए अपने से करीब 16 साल छोटी कविता दफ्तरी से इन्होंने शादी कर अपना घर बसा लिया। साल 1990 में इन दोनों की शादी हुई थी। कविता और विनोद से एक बेटा साक्षी और बेटा श्रद्धा है। हालांकि जिस ओशो के लिए विनोद खन्ना ने फिल्मों को छोड़ा था, बाद में उनकी शरण में आने के बाद उन्होंने फिल्में करना शुरू कर दी थी। साल 1987 में उन्होंने इंसाफ फिल्म से वापसी की थी। 4-5 साल तक नायक बनने के बाद विनोद खन्ना धीरे धीरे चरित्र भूमिकाओं की तरफ मुड़े और यहाँ पर भी इन्हें कामयाबी हासिल हुई। कहा तो ये भी जाता है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जब विनोद खन्ना ने अपना कमबैक किया तो उनके घर के बाहर निर्माताओं के कतारें जुटने लगी थी। आते ही उन्होंने जितने पैसे लेने शुरू कर दिए थे वो अमिताभ बच्चन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा महंगे अभिनेता बन गए थे और ये स्टारडम देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया था। लेकिन एक बार फिर से इन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला लिया और समय था साल 1987 का। साल 1987 में गुरदासपुर से लोकसभा का इन्होंने चुनाव लड़ा और अटल सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री बने और इनका राजनीतिक करियर भी काफी शानदार रहा। लेकिन अगर अंत की बात करें तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भले ही आज विनोद खन्ना नहीं रहे, क्योंकि 2017 में इनका निधन हो गया। आखिरी दिनों में इन्हें पहचान पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि इन्हें कैंसर हो गया था। कैंसर से लड़ते हुए विनोद खन्ना साल 2017 में इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए थे और अपने आखिरी दिनों में ये काफी दुर्बल भी हो गए थे, जिसकी कई सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।